हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं गेम्स मैनियक और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो हम आ गए हैं एक और नया वीडियो लेकर। जो पिछले कुछ वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए थे, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थे, कुछ ट्यूटोरियल्स थे, बट मैंने ध्यान दिया कि जो सबसे ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लिया है वीडियो में वो है नई जर्सी जो डाउनलोड की थी हमने टीम्स के लिए। नई यूनिफॉर्म्स थी, नए प्लेयर्स थे, वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं लोग, चाहे वो किसी भी गेम की बात हो, चाहे एशियस क्रिकेट हो, चाहे ईए क्रिकेट हो, या डॉन ब्रैडमैन हो, या क्रिकेट 19 हो। लोगों को नई यूनिफॉर्म, क्योंकि खेलने का फील तभी आता है जब सारी टीम्स की यूनिफॉर्म्स प्लेयर्स वही होते हैं जिन्हें हम देख रहे हैं लेटेस्ट अभी कंडीशन में। तो जब तक वो सब नहीं होता तब तक खेलने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आप चाहेंगे तो उसका लिंक मैं यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हर टीम की यूनिफॉर्म और प्लेयर्स को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो जो टीम्स हैं वो जो अभी कम्युनिटी में अवेलेबल टीम्स हैं वो उतनी लेटेस्ट नहीं है, या फिर हम सर्च करते हैं तो हमको मिलती नहीं है, या थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो अभी मैंने देखा कि जब मैं खेलता था तो इंडिया की जो लेटेस्ट जर्सी है क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, तो जो स्पॉन्सर थे वो चेंज होकर ओप्पो से बायजूस पे आ गए थे, राइट। तो हमारे पास वो जर्सी यहाँ पर क्रिकेट एशियस क्रिकेट 17 में अवेलेबल अभी तक नहीं थी। एक जर्सी पहले थी बट उसमें जो लोगो था वो डिफरेंट था। अगर अभी आप जर्सी की बात करेंगे, टीम इंडिया की नई जर्सी जो है, तो वहाँ पर क्रिकेट 19 में जर्सी यूज़ हुई थी उसमें बायजूस का लोगो है, और बायजूस का लोगो जो है वो आपका यानी कि एक स्क्वायर में बी लिखा हुआ है पिंक कलर से, और बाकी उसके बाद पूरा बायजूस है वाइट कलर से। तो वो वाला लोगो अभी तक जर्सी में अवेलेबल नहीं था। वो टीम्स जो हमारे पास नई टीम्स थी वो भी अभी तक नहीं थी। लाइक जो नए प्लेयर हैं हमारे पास, जो टीम हमारे पास स्क्वाड था लेटेस्ट टीम में, वो नए प्लेयर वाला नहीं था। पुराने प्लेयर्स थे उसमें, दिनेश कार्तिक थे और महेंद्र सिंह धोनी भी थे। तो अभी जो स्क्वाड हमारा, इंडिया की टीम न्यूजीलैंड गई थी, और उसके पहले जो साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेली हुई थी इंडिया ने बांग्लादेश में खेली थी, वो वाला स्क्वाड जो था वो अवेलेबल नहीं था। तो अवेलेबल इन द सेंस प्लेयर्स अवेलेबल थे बट वो एक टीम में स्क्वाड नहीं था। तो मैंने वो सारी चीज़ें जो हैं वो एडिट करने की कोशिश की है। मैंने बायजूस का नया लोगो क्रिएट किया है, और जो अभी रिजेंबल करता है नई वाली टीम का जो लोगो है उसको, और मैंने यूनिफॉर्म्स को इस तरीके से, नई यूनिफॉर्म को लाकर उसमें लिंक कर दिया है, ताकि अब जो हम खेलते हैं तो वो एक अच्छा फील आता है खेलने में। एक जो नई लेटेस्ट टीम है उसकी जर्सी दिखाई पड़ती है, लेटेस्ट प्लेयर्स वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो टीम जो मैंने क्रिएट की है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, और ये बताइएगा कि आप और ऐसे वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं, और कोई लोगो जो है वो क्रिएशन करना है तो मैं करके उसे टीम की यूनिफॉर्म पे लिंक कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि टीम्स को हम डाउनलोड कैसे करते हैं, तो मैं पहले आपको अपनी टीम जो मेरे पास है वो दिखा देता हूँ। ये जो मेरी टीम है जो मेरे पास अभी अवेलेबल है टीम मैनेजर में जाके, ये इंडिया की टीम है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रीव्यू में जो यूनिफॉर्म आती है, अगर अभी दिखेगी, या फिर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो देखिए ये जो मेरे पास इसका यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म ये ओल्ड वाली जो यूनिफॉर्म थी अभी तक ये वाली अवेलेबल थी, हमारी ओप्पो की यूनिफॉर्म थी, तो ये इस तरह से थी, इस तरह से होती थी। और T20 की जो यूनिफॉर्म थी वो इस तरह से होती थी। ओप्पो इसके स्पॉन्सर्स हैं, तो आपकी देखिए आपकी स्लीव्स पर भी ओप्पो है, और नाइकी का जो साइन है वो है। तो जो मैंने क्रिएट किया है वो ये वाला है। लाइक क्रिकेट वर्ल्ड कप 19 के बाद में स्पॉन्सर चेंज हुए थे, और थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ था। तो ये जर्सी मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, अवेलेबल इन द सेंस एक क्रिकेट वर्ल्ड कप 19 की टीम है वो अवेलेबल थी, बट उसमें ये लोगो नहीं था। तो मैंने ये लोगो क्रिएट करके इसको बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये बायजूस का लोगो है जो अभी की क्रिकेट टीम के पास में है, और ये T20 की जो जर्सी है उसमें भी आप देखिए ओप्पो की बजाय बायजूस का लोगो है, पीछे भी बायजूस का ही लोगो है, और स्लीव्स पे भी आप देख सकते हैं बायजूस का ही लोगो है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये टीम मेरे पास कैसे आई, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाइनअप्स हैं, नए लाइनअप्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं T20 में, आप देख सकते हैं। रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, और बाकी प्लेयर्स भी हैं। अगर आप अपनी कस्टम टीम अलग तरीके से बनाए खेलना चाहते हैं तो वो भी आप खेल सकते हैं।
सेम ही तरीके से ओडीआई के लिए मैंने टीम जो है वो भी जो हमारी लेटेस्ट टीम खेल रही है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, कोहली, राहुल अय्यर, पंत, जडेजा, ठाकुर, और उसके बाद टेस्ट के लिए भी जो हमारी अभी लेटेस्ट टीम खेल रही है, मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन। तो यहाँ पे मैंने लाइनअप भी क्रिएट करके दिए ताकि आपको प्लेयर्स डाउनलोड करके उनको ऐड करने में दिक्कत ना हो। तो ये मैंने सारी टीम्स जो हैं ये मैंने क्रिएट कर दी है। अब बात आती है कि आप डाउनलोड कैसे करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने पहले जो वीडियो था उसी के अकॉर्डिंग आपको कम्युनिटी में जान क्रिकेट एकेडमी में जाना है, उसके बाद कम्युनिटी में जाना है। कम्युनिटी में जाने के बाद आप नॉर्मली सर्च कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप टीम्स पे जाइए। टीम्स पे जाने के बाद इंडिया, और उसके बाद जो आपको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट बाय नेम, सॉरी डेट करिएगा, बिकॉज मैंने अभी आज ही ये टीम क्रिएट की है। तो आप डेट से सॉर्ट करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप रेटिंग से सॉर्ट करेंगे तो इस टीम की कोई भी रेटिंग नहीं है, कोई भी अभी तक डाउनलोड्स नहीं है क्योंकि मैंने आज ही क्रिएट किया है इसको। तो मैक्सिमम रिजल्ट आप 50 कर लीजिए और उसके बाद आप सर्च बिगिन करेंगे। तो अभी ये सर्च हो रहा है, तो मैंने आपको दिखा पहले ही दिया है। तो अगर इन केस अगर वो टीम जो हम डाउनलोड करने वाले हैं वो नहीं अगर ओपन हो के मैं आपको यहाँ दिखा पाता हूँ, तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि डाउनलोड मैंने कैसे करी हुई है। और इस नई जर्सी के साथ अगर आपको गेम प्ले देखना है तो मैंने अभी अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है गेम प्ले का, उसको भी मैं अपलोड करूँगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वो मैच है और उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है हमने, तो वो मैच मैं अपलोड करूँगा कि देख जब नई जर्सी में अगर हम कोई मैच खेलते हैं तो वो देखने में एक्चुअली कैसा लगता है, वो भी आप उस चीज़ को भी जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो अभी डाउनलोड हो रहा है, हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको वो टीम कहाँ मिलेगी। जब आप डेट से किसी सर्च को सॉर्ट करते हैं तो सबसे लेटेस्ट क्रिएशन जो होता है वो आपको दिखता है, और ये देखिए ये रहा। तो इसका अभी तक एक डाउनलोड है, आप देख पा रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि ये मैंने ही जो किया है डाउनलोड वही वाला है या किसी और ने किया है। और इसके बाद में देखिए बाकी सारी टीम्स अगर आप देखेंगे, और भी टीम्स हैं यहाँ पे, तो ये टीम्स अभी तक डाउनलोड भी नहीं हुई हैं। अलग अलग जो अभी लेटेस्ट क्रिएट हुई है, ये एक टीम है जो अभी लेटेस्ट क्रिएट हुई है, और ये तो इसमें आप देखेंगे जो लोगो है बायजूस का वो अभी करंट लोगो से बहुत ज़्यादा रिजेंबल नहीं करता, क्योंकि जो करंट लोगो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो रिटेन, पहली बात तो बी के बाद बी जो है उनका ट्रेडमार्क है, वो जो इटैलिक मतलब जो इंक्लाइंड बी है वो उनका ट्रेडमार्क है, तो वो ट्रेडमार्क सेम वैसा ही है, उसके ट्रेडमार्क के बाद में भी बायजूस लिखा हुआ है। तो उस तरह से मैंने इस बार इस लोगों को क्रिएट कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी लेटेस्ट टीम से भी हमारे पास कोई टीम अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने क्रिएट किया है इसको। तो यहाँ पे देखिए ये है वो टीम जो मेरे पास है, और डाउनलोड करने के लिए मैं इस पर ट्राई करूँगा, मैं देखता हूँ। ये भी नहीं हो रहा है तो ये एरर आपको आ सकता है, तो अगर आपको इससे बचना है तो आप एक क्विक डाउनलोड करिएगा जो आप ट्राइंगल बटन दबा के कर सकते हो। तो मैं इसे क्विक डाउनलोड करूँगा, हालाँकि मेरे पास टीम पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, प्रिपेयर डाउनलोड हो रहा है ये। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप इस नई टीम के साथ खेलना शुरू कर सकते हो। तो इट्स डाउनलोडिंग नाउ। जैसे ही ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में हम देखते हैं किस तरीके से ये टीम हमको दिखाई पड़ेगी। और मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि पहले भी जब मैं मैचेस, हालांकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 19 की ड्रेस यूनिफॉर्म सब कुछ है, बट उसमें बायजूस का लोगो नहीं है, क्योंकि क्रिकेट 19 के कोई स्पॉन्सर्स का लोगो लगा हुआ नहीं था। हमारी जर्सी जो टीम इंडिया की थी उस पर कोई भी लोगो लगा हुआ नहीं था, तो वो लोगो वहाँ पर नहीं है। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी था कि हम इसको लोगो को चेंज करें। अभी डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एक बार डाउनलोड होने के बाद में आपको सेम वही करना है जिस तरीके से पहले हम कर, मैंने इसीलिए पुरानी ड्रेसेस को इस टीम में से नहीं हटाया है। इसको डाउनलोड करने के बाद भी अगर आप पुरानी यूनिफॉर्म के साथ में खेलना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल खेल सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप प्लेयर्स जो हैं दोबारा डाउनलोड हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है उसके साथ में, बिल्कुल हो भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेटा अपडेट हो रहा है, डेटा अपने आप ही अपडेट होता है, आपको जाके लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती भी है तो आप जो आपकी पुरानी टीम है आप बाद में जाके उसको लिंक कर सकते हो। डाउनलोड अभी हो गया है, होने के बाद में मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फिर से जाके जो अपने टीम मैनेजर से, टीम में अगर मैं जाऊँगा तो इंडिया टीम देखी यही वाली टीम मेरे पास, अगर मैं टीम मैनेजर में जाऊँगा तो मेरे पास इंडिया की ये वाली टीम अभी यहाँ पे है। तो ये अभी लेटेस्ट टीम है, आप देखना चाहें तो। इसके अलावा
अभी और कोई भी ये लेटेस्ट जर्सी में अभी तक कोई टीम अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको लाइनअप यूनिफॉर्म दिखा चुका हूँ, स्क्वाड में मैंने काफ़ी सारे प्लेयर्स को रखा हुआ है, पुराने प्लेयर्स को नहीं हटाया है मैंने अभी तक, तो अगर आप चाहें तो उनको भी रख सकते हैं और खेल सकते हैं। शेयरिंग मैंने ऑन करी हुई है, तो बिल्कुल आप अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। होम स्टेडियम्स की बात की जाए तो ये सारे होम स्टेडियम हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं और सारे स्टेडियम इस टीम के साथ में ऐड कर दूंगा, आप बाद में जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इस तरीके से जो आपके टेस्ट स्क्वाड और लेटेस्ट स्क्वाड और लेटेस्ट यूनिफॉर्म के साथ टीम मैंने बना दी है इंडिया की, आप उसको डाउनलोड करिए और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अगर हम कोई मैच खेलते हैं वहाँ पे आपको कैसे, अगर आप इस क्योंकि यूनिफॉर्म तो सारी अवेलेबल हैं, तो अगर आप कोई मैच स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आप कैसे यूनिफॉर्म ये वाली लेके आओगे। तो हम न्यू मेंस मैच करेंगे, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया, अब देखिए बाय डिफॉल्ट यही यूनिफॉर्म आ रही है, इनकेस अगर नहीं आती है तो आप यहाँ पे आके इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, लाइक ये ODI बायजू और ये जो T20 बायजू की टीम है यूनिफॉर्म में आप आओगे तो ये लोगो वाली आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके इसको यहाँ से खेल सकते हो, पुरानी यूनिफॉर्म के साथ या नई यूनिफॉर्म के साथ, जैसे भी आप खेलना चाहो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अभी और भी लाता रहूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि आगे लोगो क्रिएशन कैसे करना है वो वीडियोस, और अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो एक आध और जो टीम्स हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया, बाकी टीम्स की भी जो लेटेस्ट यूनिफॉर्म है मैं क्रिएट करके आपको देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को ये वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।